अभी 9 बज रहा है और मैं रहमत के घर आया हूँ वर्कआउट करने के लिए। सुबह से फ्री था, सोचा कि रात को चल जाओ यार वर्कआउट करने, कुछ हो जाएगा एक दिन में। और ये वर्कआउट काफ़ी दिन से मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम था व्लॉगिंग, मेरा स्कूटी बनाना या कोई भी, बारिश बारिश की वजह से मेरा ये वर्कआउट नहीं हो रहा था। और मेरा जिम भी बंद है लॉकडाउन की वजह से, सारा जिम खुल गया लेकिन मेरा जिम बंद है, तो मेरा जिम में भी जाना नहीं हो रहा। रहमत के घर में आते थे, इमरान भी चला गया, तो मैं अकेले ही कर रहा हूँ आज वर्कआउट। और होप सो मैं कोशिश करूंगा कि ये डेली करूँ वर्कआउट, क्योंकि मुझे भी अच्छा बॉडी बनाना है यार, क्योंकि मेरा फिगर में अभी फैट आ गया पूरा, मतलब पहले लीन था अभी थोड़ा फैट हो गया क्योंकि घर में बैठे बैठे कुछ हो नहीं रहा। तो बस यही है गाइस, आप सुनते होंगे बैकग्राउंड में एक वॉइस है बिल्ली का, अभी आ नहीं रहा है मेरे वीडियो बनाने टाइम, अभी आ रहा था थोड़े पहले देखो फिर आ रहा है, फिर आ रहा है वॉइस। और अभी उन्होंने ब्लॉग बनाने चक्कर में दोनों फैन ऑफ है, ये भी फैन ऑफ है, ये भी फैन ऑफ है, ब्लॉग बनाने चक्कर में लड़का फोन यूज नहीं कर रहा, सीरियसली देख रहा है मुझे ऊपर वहां बैठा है ताकि मेरा वीडियो कर सके। और मैं पसीना पसीना खुद हो गया यार, लाइट में समझ में आएगा, देख रहे हो ये लड़का मेरा दोस्त है, आप लोग जानते होंगे क्या बोला चाहते बता। बहुत देरी से ब्लॉग स्टार्ट करने वाले थे, स्टार्ट किया भी नहीं, शांति था, शांति पूर्वक था, मतलब कि पिन ड्रॉप देखो फिर आ रहा वॉइस, समझे ना, जैसे स्टार्ट किया म्याओ 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 दिमाग खराब हो गया यार, जब भी स्टार्ट कर तभी क्यों होता है हमको समझ में नहीं आता है। लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था अपना अनबॉक्सिंग का, तब तक शांति था, जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया बाहर से इधर से उधर से आवाज, भाई चुप कर जाए। अबे मेरी मॉम बोलती पता है क्या है बिल्ली को कैसी भगाती है, दमोद खोकी भाग, ए दमोद खोकी भाग, बोले सर दमोद खोकी भाग है, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ रहा लग रहा बिल्ली को हम लोग पे। तो गाइस ये बहुत लाइट वेट है, 5-5 का 10 है, तो मैं ज्यादा वेट से मारूंगा नहीं आज, पहला दिन और बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ। मुजफ्फर मुजफ्फर मेरे साथ वर्कआउट करना चलना आज, भाई तुझे तो पता है रीजन क्यों नहीं करते। हाँ यार हमको तो पता है इसका रीजन, ये क्यों नहीं करता और अहमद भी क्यों नहीं करता, इसका भी रीजन पता है क्या, पर क्या है मतलब रीजन क्या है मुझे, पर अपने मुंह से बता थोड़ा। अभी तो आप लोग जानते हो यार कि अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी वर्कआउट होते ही है मेरा ऑलरेडी, वहाँ पे अभी फैट कम कर रहा हूँ, जब वहाँ पे कम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मतलब कि मेरा ये मोटिव है कि रनिंग करना है तो स्टैमिना बढ़ाना है, पर वहाँ पे कर रहा हूँ, एट दी एंड मुझे अभी लीन होना है, मतलब कि रनिंग करके पूरा अपना स्टैमिना बढ़ाना है, लीन होना है, तो उसके बाद मैं इस पे आ जाऊंगा, सिंपल सा फंडा है मेरा, तो इसलिए मैं अभी नहीं करता हूँ। रहमत भाई आप कब से स्टार्ट करेंगे जरा बताएं, कभी नहीं। हाँ रहमत भाई नहीं क्यों ऐसे टोपी वैसे क्या हुआ भाई आज तो इतना सैड क्यों भाई रहमत, इतना धीमी आवाज में बात कर रहा है, थोड़ा अपना अपना व्यूअर्स को पता, अपने जनता को पता। अच्छा मेरा भाई का आज मूड नहीं है, चलो कल मैंने ब्लॉग में बात करते करते एंड कर दिया था, मतलब कि एक परंपरा हम लोग होते सभी करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये भूल के जाना, तो कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि ब्लॉग के बारे में, क्या है कि मुझे ब्लॉग सुबह 9 बजे पोस्ट करना है, मतलब कि हम लोग ने डिसाइड किया कि सुबह 9 बजे ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग को भी टाइम पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग 9 बजे पोस्ट करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं टाइमली रहूँ, अगर मैं एक टाइम दे दूंगा खुद को तो मतलब कि खुद मेहनत करूंगा और टाइम पे काम करूंगा, इसलिए मैंने 9 बजे फिक्स किया। तो अब से इंशाल्लाह आपको सुबह सुबह 9 बजे ब्लॉग मिल जाएगा, ये मैंने बोलना था कि बोले कि आपको भी पता रहे कि हाँ 9 बजे ब्लॉग आता है, और अगर नहीं है तो 12 बजे एक बार और चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी वाईफाई स्लो रहता है या लाइन चल जाता है, मतलब वाईफाई का, तो इसका वजह से होता है, क्योंकि आप लोग भी ने देखा होगा कि कितना बार मैंने रहमत के घर पे आके ब्लॉग पोस्ट किया, तो ये होता है। आई एम सॉरी रहमत, फैन ऑफ था दोनों, मुजफ्फर को भी सॉरी, इसको सॉरी क्या बोलूंगा, तो गाइस हम लोग का वर्कआउट कम्प्लीट हो गया, ब्लॉग भी कम्प्लीट होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुजफ्फर कुछ कहना है आपको हमारे व्यूअर्स को, इधर आओ इधर, दूर से क्या सुनोगे आप लोग, सुनो दिनों से आप लोग देखते होंगे ब्लॉग काफी शॉर्ट आ रहा है, 4.5-5 मिनट 6 मिनट, असल में क्या है ना लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, और लॉकडाउन की वजह से भी कुछ हो नहीं रहा, और गाड़ी पे ने धोखा दे दिया, हम लोग का प्लान रहता है कहीं शाम में निकलते हैं, अच्छा नहीं लगता तो निकल जाते हैं चाय वाय पीने या घूमने फिरने, तो आप ब्लॉग भी करते, तो ये अभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट करो यार, इंशाल्लाह आगे अच्छे से अच्छे ब्लॉग आएगा और कंटेंट काफी जबरदस्त, मतलब ये धमाके होने वाला है ये समझो, इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन जुड़े रहो जरूर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। बहुत सारा कंटेंट दिमाग में है लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ वहाँ जाना हो ही नहीं रहा, तो कर नहीं पा रहे हम लोग, तो आफ्टर लॉकडाउन इंशाल्लाह कुछ करेंगे। रहमत भाई हाय,
अच्छा रहमत का थोड़ा मूड ऑफ है, चलेगा यार कभी कभी होता है। तो गाइस आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, घर में फैमिली का ख्याल रखें, बस कोरोना वायरस से बचे, मास्क लगाएं, याद रखना भूलना मत सुबह 9 बजे। और सुबह 9 बजे हमारा डेली का डेली ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 9 बजे नहीं आया तो 12 बजे आएगा। इशू क्या मतलब कि वाईफाई का इशू रहता है, कभी नहीं रहता, कभी ये सब होते रहता है, कभी कुछ काम आ गया। देखो यार आप कितना भी कर लो ब्लॉग, कभी मुजफ्फर सोएगा सोया रह गया, ये भी होता है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, अभी रात में ब्लॉग पोस्ट करके आराम से सोता हूँ, सुबह आराम से उठता हूँ, ये। और कभी कभी क्या होता है, अगर ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाए, घर का काम भी करना जरूरी है यार। वो लोग मतलब कि कितना भी बोलो कि अब ब्लॉग पोस्ट करना है, बोले नहीं काम करो, काम करो पहले। सुबह सुबह तो काम होते ही है भाई सबके घर पे, अगर फैमिली के साथ हो तो काम हो गई, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये समझ सकते हो आप, बस यही है। और एक यार हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुजफ्फर ने नया फोन लिया, इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आता है वीडियो, बहुत अच्छा आता है ब्लॉग हम लोग का 4K में आता है, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। पहले लोग माइक यूज़ करते थे, अब कोई माइक नहीं है, देख लो इधर कोई माइक नहीं है, अब डायरेक्ट मोबाइल का माइक है, वही रिकॉर्ड होता है, बस यही। अपने फ़ोन से तो मैं रिकॉर्ड करना छोड़ ही दिया हूँ क्योंकि मेरा माइक भी खराब हो गया। तो गाइस अलविदा लेते हैं, बाय बाय सब, बाय केयर, अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।